बस कर दे वीडियो बनाना चुप। सो वेलकम बैक गाइस, आप लोगों का मेरी वीडियो में। तो आज रुक जा जरा, मैं इसे फेल के आता हूँ। तो गाइस प्लीज इनको इग्नोर करना, क्योंकि इन लोगों इनको उनका पागल कुत्ते ने काट लिया है। तो हाँ, हमने कहा थे क्लाउज वन क्लाउज ड्रैग मारना पागल एम्प्टन के लिए थे, क्योंकि पागल एम्प्टन की खासियत है वो क्लाउज होके ही हंस रहे, मतलब उनका मेन स्टाइल क्लाउज है। तो वही आज हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला जो ये हगने वाली बटन है ना, मतलब यार वही हगने वाली टेक्निक के लिए हगने वाली बटन का इस्तेमाल करा जाता है। तो उसी हगने वाली बटन को आप लोगों को थोड़े चेंजेस करना पड़ेगा कस्टम एचओडी में जाकर। सबसे पहले चलते हैं कस्टम एचओडी में। तो ये देखिए, ये है मेरी हगने वाली बटन, इधर कहाँगे ये हम कहीं पे भी हग लेते हैं, ठीक है। हगने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता है, हम मोबाइल में कहीं पे भी हग लेते हैं, जहाँ मन वहाँ हगने वाली बटन चालू करके, ठीक है। तो आप लोगों को इसे लेफ्ट साइड पर रखना है, राइट साइड से उठा के इसे लेफ्ट साइड पर रखना है, ताकि आप लोगों को बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, आगे बताऊंगा, अभी आप लोग समझ नहीं आएगा। टेम्परेचर बंद करते थे थोड़ी। तो गाइस अगर आप लोग टू फिंगर खेलते हो तो आप लोगों को सिट वाली जो बटन थोड़ी नीचे रखनी था, कहीं आप लोगों को थंब्स तक आ पाए, ठीक है। इसमें सिट ऑफ ड्रैग मारने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एसएमबी का रैंडम नंबर वाला ड्रैग मारना आना चाहिए। आता आप लोगों को, अगर नहीं आता तो सब तो क्यों भाई, यहां पे क्यों हो तुम, अभी जाओ मेरी दूसरी वीडियो उसको देखो जाके, सबसे पहले उसे देख के, क्योंकि इतना बड़ा मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा फोन भी इतना वो नहीं, क्या कहते बाहुबली जो झेल पाए इतनी बड़ी वीडियो, ठीक है। जाओ उसको सबसे पहले वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसमें मैंने बताया आप लोग कैसे रेड नंबर मार सकते हो यूएमपी से। तो अब आएंगे यूएमपी से क्या एसएमजी से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो आप लोग अभी तक वीडियो देख आए होगे मेरी, तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जो क्राउच वाली बटन है ना, इसे और ये फायर वाली बटन एक साथ दबानी है, मतलब यार ड्रैग करना। आप जो फायर वाली बटन से आप लोगों को रोटेशन ड्रैग करना है, और जो सा ड्रैग आप लोगों को अच्छा लगे वो ड्रैग करना है, जिससे आप लोगों के हेडशॉट लग जाए। अब देखो क्राउच वाली बटन है, जो क्राउच ये जो हगने वाली बटन है ना, इससे आप लोगों को मूवमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, और बंदे सामने वाले लगता है ये कतई प्रो प्लेयर है, इससे बच के रहो, ठीक है। तो इसी की टेक्निक बताऊँगा। सबसे पहले देखो क्राउच करना है आप लोगों को, फिर उसके बाद अपना रोटेशन ड्रैग देना है, फिर उसके बाद आप लोगों को स्विच करना है, स्विच करो या फिर आप लोग रन स्विच करना है, फिर उसके बाद स्प्रिंट करना है, या फिर आप लोगों को ब्लू लगा सकते हो या फिर येलो लगा सकते हो, आप लोगों के ऊपर है वो। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे क्लिप्स की तरफ। तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, और आप लोगों को हगना भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आगे हगते हगते वीडियो क्लिप्स में, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को बताता हूँ हगते हगते कैसे आप लोग। तो सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखो, देख लिया ना अच्छी लगी, तो अब इसको अंदर का दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ से जंप करके आया, मुझे सामने बंदा दिखा, वो भी मुझे मारने के लिए एम सेट कर रहा था, पर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देखो सबसे पहले आप लोगों को एम एनिमी के लेफ्ट में रखना है, और वाइट रखना है, और चाहे रेड रखो, पर आप लोगों को रोटेशन ड्रैग करना है, और फिर आप लोगों को स्विट वाली बटन और फायर वाली बटन एक साथ दबानी, मतलब सीट वाली बटन और फायर वाली बटन एक साथ दबानी, इसीलिए मैंने हगने वाली बटन को उधर साइड रखवाया था। अब क्राउ आप लोगों को रोटेशन ड्रैग करना था, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले जो वीडियो देखी उसमें मैंने बताया अच्छे से। तो दिखाते हैं आप लोगों को एक और वीडियो क्लिप्स, मिलते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे आया और मुझे बंदा दिखा, मैंने एम सेट करा अपने आप से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एम वाइट ही रखता हूँ, इससे देख लो आप लोग। फिर क्राउच वाली बटन और मैंने फायर वाली बटन एक साथ दबाया, और जैसे ही मेरे डेड नंबर लगे मैंने उसको अपनी फायर बटन जो गन है वो स्विच करी और स्प्रिंट वाली बटन दबा दी, तो इससे मेरी मूवमेंट भी अच्छी लगी और मुझे आ भी गया अच्छे से। तो आप लोग देखो, मैं आप लोगों को कुछ और वीडियो क्लिप्स देख लो, और उसमें भी समझ लेना अच्छे से। और आप लोगों की वीडियो हुई कम्प्लीट, और मिलते हैं नए वीडियो में। ओके बाय, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि और भी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को इस चैनल